एवरीवन, स्वागत है आपका न्यू इनोवेशंस इन कुकिंग में। आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप इंडोर प्लांट्स लगा रहे हैं तो उसे सिर्फ लगाने से ही कुछ नहीं होगा, उसको मैनेज करना भी आना चाहिए। और मैनेज करने से आपके प्लांट्स अच्छी तरीके से ग्रो करते हैं, साथ में आपके इंडोर मतलब देखने में भी अच्छा लगता है प्लांट्स। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से मैंने अपना जो इंडोर प्लांट्स है उसको मैनेज किया है। यहाँ ये मनी प्लांट को मेरे को मैनेज करना है, तो मनी प्लांट अगर उसको अच्छी तरीके से आप ग्रो करना चाहते हैं और अच्छी तरीके से उसकी जो बेल है उसको लगाना चाहते हैं, तो आप उसी प्लांट के अंदर किस तरीके से लगाएंगे ये देखिए। चारों तरफ गमले के मैंने स्टिक लगा दी है और इस तरीके से मैंने मनी प्लांट को बांधा है। अच्छी तरीके से उसमें हल्की सी गांठ लगाइए, मींस मनी प्लांट का जो स्टेम है उस पर ज़्यादा प्रेशर मत डालिएगा, नहीं तो वो टूटने की चांसेस होंगी। जेंटली हल्के हाथों से उसको घुमाइएगा और ये देखिए स्टिक में आप ये जो धागा है, ये जो मैंने डोरी ली है उसको इस तरीके से घुमाइएगा, हल्के हल्के उसको पीछे राउंड करिएगा और जहाँ पर आपने ये स्टिक लगाई है उस पर इस तरीके से घुमाइएगा, रोटेट करिए पूरा और उसको इधर के साइड ले आइए। पूरा गोल गोल उसको अच्छी तरीके से लगाना है जिससे कि आपका जो मनी प्लांट हो वो ऐसे पीछे से बढ़कर ऊपर की साइड आए और आपका जो पूरा प्लांट है, जो पूरा गमला है, देखने में इतना सुंदर लगेगा जब ये पूरा मनी प्लांट अच्छे से बढ़ेगा। और पहली वाली स्टिक पर आकर आप इसको बांध दें गांठी, जिसे इस तरीके से मैंने इसमें बांधी है। बस इसी तरीके से अपने मनी प्लांट को ग्रो करें। इंडोर है, इट डजंट मीन कि आपने बस लगाया और उसे छोड़ दिया। अच्छी तरीके से उसको पानी दीजिए, उसका केयर करिए, तभी देखिएगा आपके प्लांट्स कितने प्यारे लगेंगे आपको।